हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निट एंड नॉट बाय सिमरन। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि हम फंदे किस तरह से डालें। वैसे तो फंदे डालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उन सभी तरीकों में जो सबसे इजी तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है, आज मैं आप सभी के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि फंदे किस तरह से डाले जाएं। तो देखिए, ये हम ऊन लेंगे और ये सिलाई है। तो हमने क्या करना है, हमने ऊन को इस तरह से डबल करना है। अब ऊन को हमने ज़्यादा डबल करना है या कम डबल करना है, ये डिपेंड करता है कि आपने फंदे कितने डालने हैं। अगर आपने ज़्यादा फंदे डालने हैं तो आप ऊन को इस तरह से ज़्यादा डबल कर लीजिएगा। अगर आपने कम फंदे डालने हैं तो आप ऊन को इस तरह से कम डबल कीजिएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि किस तरह से फंदे डालने हैं। वैसे तो आप एक से दो बार जब फंदे डालेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इसे कितना ज़्यादा या कितना कम लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमने ऊन को इस तरह से डबल किया, तो हमारे लेफ्ट हैंड की साइड ये डबल वाली ऊन आएगी इस तरह से, और हमारे राइट साइड ये सिंगल ऊन आएगी। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा ये जॉइंट है, जब ऊन को हमने डबल किया तो ये जो हमारा जॉइंट है, हमने अपने राइट हैंड से इसे इस तरह से पकड़ना है और लेफ्ट हैंड की फिंगर पर हमने इस डबल वाली ऊन को इस तरह से राउंड कर देना है। ये देखिए, इस जॉइंट को इस तरह से पकड़ा और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की फिंगर पर हमने इस तरह से राउंड किया। अब इस राउंड को हम फिंगर से इस तरह से बाहर निकाल देंगे। देखिए, इस तरह से बाहर निकाल के ये जो सिंगल वाली ऊन है, हमने इस राउंड में से बाहर निकालनी है। ये देखिए, इस तरह से। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। ये देखिए, हमने अपने राइट हैंड से इस जॉइंट को पकड़ना है और डबल वाली जो ऊन है, हमने अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर पे इस तरह से राउंड करना है। राउंड करने के बाद इस राउंड को हम ये इस तरह से बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद इसमें से हमने ये जो हमारी सिंगल वाली ऊन है, इस राउंड में से इसे इस तरह से बाहर निकाल देना है। देखिए, ये बाहर आ गई। अब जो ये सिंगल वाली ऊन बाहर आई है, इसको हमने इस तरह से सिलाई में लेकर, सिलाई लेफ्ट हैंड से पकड़कर इसे सिंगल वाली ऊन को खींच देना है हल्के से। ये खींच के अब हम सिलाई राइट हैंड से पकड़ के, ये देखिए, अब हमने ये डबल वाली ऊन को खींच दिया। अब हम दोनों को इस तरह से देखिए खींच देंगे तो ये नॉट लग गई। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों ही तरफ की ऊन को, ये देखिए, एक साइड ले लेना है। ये देखिए, लेफ्ट हैंड की साइड अब हमने ये दोनों, डबल वाली ऊन भी और सिंगल वाली ऊन को भी हमने लेफ्ट हैंड की साइड ले लेना है। अब क्या करना है, ये जो सिंगल वाली ऊन है इसे हमने ऊपर की तरफ रखना है और ये जो डबल वाली ऊन है इसे हमने इस तरह से नीचे की तरफ रखना है। अब हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये जो सिंगल वाली ऊन है इसे हमने, ये देखिए, फर्स्ट फिंगर से, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से इस तरह से ऐसे पकड़ना है। ये देखिए, फिंगर को इस तरह से ऊन के नीचे से निकाल के इस तरह से हाथ में अंदर होल्ड कर लेना है इस तरह से, और ये जो डबल वाली है इसे हमने इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से ऐसे करना है। इसके बाद हमने सिलाई को इधर से इस तरह से देखिए निकाल कर, ये सिंगल वाला जो धागा है हमने ये डबल वाले में से इस तरह से बाहर ले लेना है। ये देखिए, ये हमने इस तरह रखा है और अंगूठे को हमने इस तरह से निकालना है और यहां से सिलाई लेके इसको इसके अंदर से बाहर निकाल देना है। देखिए, ये बहुत ही इजी है, लेकिन जितने भी बिगिनर्स हैं उन्हें ये दो से चार बार थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि किसी भी काम को अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो वो हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम उस काम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो हम दो से चार बार जब इन फंदे डालने को हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ये देखिए, लेफ्ट साइड दोनों ऊन लेकर, सिंगल वाली ऊन को इस तरह ऊपर किया और ये डबल वाली नीचे है। सिंगल वाली में हमने फिंगर को इस तरह नीचे से ऐसे ऊपर किया और यहाँ पर ये फिंगर पे हमने इसे होल्ड कर लिया धागे को, और ये डबल वाली को हमने अंगूठे पर इस तरह से लेना है। ये देखिए, इस तरह से,
इसमें से सिलाई को निकाल के इस सिंगल ऊन को इसमें से लेके हमने इस तरह से कर देना है। ये देखिए, मैं बहुत ही आराम आराम से आपको फंदे डालना बता रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाए। ये देखिए, जब हम इस धागे को इससे ऐसे निकाल लेंगे तो थोड़ा सा हमें डबल वाली ऊन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की जरूरत होगी ताकि ये फंदा अपनी जगह पर सेट हो जाए। ये देखिए, कैसे ये फंदे डल गए हैं। आई होप कि जब आप इसे 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे फंदे डालने की, तो आप भी इसी तरह से फंदे डालना सीख पाएंगे। ये बहुत ही आसान है, आप वीडियो को देखते देखते साथ साथ भी फंदे डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए आप ट्राई कीजिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।